हिंदू राष्ट्र दिक्कत एक सवाल, धर्म के नाम पे हम राष्ट्र बनाए कहाँ जिक्र है ये बता दीजिए। हिंदू राष्ट्र बनाने के फायदे गिना दे जो कहिए मैं हार जाऊंगा। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद क्या बेरोजगारी कम हो जाएगी कि महिला सुरक्षा मिल जाएगी? भारत की संस्कृति टॉप पे आएगी। बड़े बड़े बाबा बागेश्वर तक कह रहे हैं कि उनको कोई शक्ति मिली होगी तब ना वो पर्चा बना रहे हैं। शक्ति मिल रही है, पैसा मिल रहा है उनको। बड़े बड़े बाबा बागेश्वर तक कह रहे हैं। कौन बाबा बागेश्वर? भाई जो अपनी रानी चमकार चंद पैसों के लिए, अरे उनका कोई पूछने वाला नहीं है। आपको बता दे, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं उनके बारे में बता दूं कि उनको कोई शक्ति मिली होगी तब ना वो पर्चा बना रहे हैं। तुम भी बनाओ, तुम्हारे लोग भाजपा और एसएससी शक्ति मिल रही है, पैसा मिल रहा है उनको, फंडिंग हो रही है। नहीं राहुल, हम कह रहे हैं समस्या है इन लोगों की, यही समस्या। अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है, अखंड भारत की बात करता है, तो वो भाजपा से पैसा ले रहा है, वो आरएसएस से पैसा ले रहा है। सबसे बड़ी समस्या यही है भाई साहब, सबसे बड़ी समस्या अगर आती है तो यही आती है। आपसे एक सवाल है भैया, ये बताइए अखंड भारत में कौन कौन से देश पहले आते थे? अखंड भारत में मैं ये जानता हूँ, अखंड भारत में जो देश आते थे बांग्लादेश आता था, ठीक है। जो भी हिंदू राष्ट्र, दिक्कत क्या है? हिंदू राष्ट्र दिक्कत क्या है? आप यहाँ रह रहे हैं, मैं एक सवाल, हिंदू राष्ट्र दिक्कत, एक सवाल मैं हिंदू राष्ट्र ये पूछना चाहता हूँ। भारत में रुके रुके रुके, भारत का खाओगे? पाकिस्तान जिंदाबाद कैसे बोलोगे? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? बिल्कुल नहीं चलेगा, बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से लोग नहीं चलेगा यार। बिल्कुल तो हम जवाब दे दे भाई। ये बताइए, डेमोक्रेसी की यही अच्छाई है कि कोई पाकिस्तान का नारा लगा रहा है तो आप जेल भेज सकते हैं उनको, समझ रहे हैं? आपका होम मिनिस्टर आपका है, भाजपा का है, केंद्र में सरकार आपके, कौन लगाता है आपके पास कुछ? क्यों ही लगाएं? भारत में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, यहाँ का खा रहे हैं, यहाँ कमा रहे हैं, क्यों लगाएंगे? ये मुद्दे को भटका रहे हैं। मैं फिर पूछ रहा हूँ, आप लोग कहते हो ना कि मैं राष्ट्रवाद हूँ, मैं हिंदू हूँ। हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले इनसे पूछिए, हिंदू राष्ट्र बनने के बाद क्या बेरोजगारी कम हो जाएगी कि महिला सुरक्षा मिल जाएगी, किसानों को सही फसल का दाम मिल जाएगा, छात्रों को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो पाएगी? पूछिए, इनको जवाब देना होगा। हिंदू राष्ट्र बनाने के फायदे गिना दे जो कहिए मैं हार जाऊंगा। फिर करो, हिंदू राष्ट्र बनाने का फायदा फार्मूला गिनाओ। आपको बता दें, अब नहीं, अभी नहीं बोलेंगे, अब बीच में नहीं बोलेंगे, अब मैं बोलूंगा। सवाल का जवाब दे दीजिए बस, ठीक। मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ, ठीक है। पहली दो, भारत की संस्कृति टॉप पे आएगी, ठीक। गंगा जमुनी तहजीब, जो हमारे हिंदू मुसलमान, जो हमारे भारत के हिंदू मुसलमान भाई हैं, जैसे पहले रहते थे गंगा जमुनी तहजीब तरीके, उस तरह रहेंगे, सब लोग साथ में रहेंगे। आज कोई नहीं रहेगा, इन्होंने बांटा जब कांग्रेस थी। अच्छा रुको यार, अभी क्या सब खतरे में है क्या? बटे हुए खतरे में नहीं है, इनसे पूछिए। सबसे पहले ये संविधान को मानते हैं? इनसे बिल्कुल मानते, बिल्कुल सम्मान है। संविधान के किस पार्ट में थियोलॉजिकल राष्ट्र का जिक्र है? आपको बता दूं, ये जो सबसे पहली बात नेशन फर्स्ट, रुके भाई, अब सवाल जवाब चल रहा है, पूछने दीजिए। हाँ बताइए, किस पार्ट में जिक्र है थियोलॉजिकल राष्ट्र? किसी भी धर्म के नाम पे हम राष्ट्र बनाए कहाँ जिक्र है ये बता दीजिए आप। तो आप मानते हैं तो नहीं, आप ये कहाँ के लिए लागू कर रहे हैं, भारत के लिए कि कहीं बाहर के लिए भी? हम भारत का संविधान हम क्या अफगानिस्तान में थोड़ा लागू करेंगे? अब आपको बता दूं, इंडियन संविधान, ये राष्ट्र कभी अलग था ही नहीं, ठीक। तो और राष्ट्र के लिए जो भी अधिनियम बनाए गए, जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई, ठीक। आपका ट्रैक क्या है? हिंदू राष्ट्र चाहिए हमारा। संविधान को मानते हैं? संविधान को मानता हूँ। फिर कहाँ लिखा, कहाँ लिखा है थियोलॉजिकल राष्ट्र, जहाँ हम एक धार्मिक राष्ट्र? अगर मेरा भाई ये संविधान को मानते नहीं, और ये कहाँ लिखा है कि धर्म को, धर्म की धर्म की अवमानना करो, धर्म का ठेस पहुंचाओ और हिंदू मुसलमान करो, कहाँ लिखा हुआ बताओ? कौन कर रहा है यहाँ? यहाँ आप लोग कह रहे हैं नहीं। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? हमारा नाम कुछ भी हो, नहीं आप नाम बताइए। नाम से क्या मतलब है आपको? हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत? आपको हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत? सेकुलर राष्ट्र।